नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ठंड और इन्फेक्शन की वजह से सर्दी खांसी हो जाती है, जिसमें बहती नाक होने लग जाती है, खांसी आने लग जाती है, सिर दर्द होने लग जाता है, गले में दर्द होने लग जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है। इस खांसी और जुकाम के लिए कौन सा इलाज होना चाहिए? जनरली बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा, मैंने इसका 2-3 वीडियो अलग से बना रखे हैं दोस्तों। उसी सीरीज में आज आपको एक कप सिरप के बारे में और बताऊंगा, जो कप ग्रिलिंग टक्स के नाम से आती है। इस कप सिरप के बारे में मैंने पहले से एक वीडियो और अपलोड किया हुआ है, लेकिन दोस्तों शायद आपको पता होगा ग्रिलिंग टक्स 4 तरह के फॉर्म में आता है। प्लेन ग्रिलिंग टेस आती है, ग्रिलिंग टेस LS आता है, ग्रिलिंग टेस BM करके आता है, ग्रिलिंग टेस L करके आता है। कहने का मतलब ये चारों दवाइयां दोस्तों, इन चारों दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इनमें अलग अलग में होता क्या है, ये सभी कैसे काम करती है, कौन सी दवाई को कब यूज करना चाहिए, या कौन सी दवाई कौन सी खांसी के लिए अच्छी होती है, या कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आज देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर बोलूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और या चैनल को आप अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए दोस्तों। और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को जितना हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें, ताकि उनको भी ये पूरी जानकारी दवा के बारे में मिल सके और वो अब जल्दी से जल्दी ठीक हो सके दोस्तों। तो अपन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ग्रिलिंग टक्स में होता क्या है। प्लेन ग्रिलिंग टक्स में दोस्तों 4 दवाइयाँ होती है, जो डेक्स्ट्रोमेथोरफोन हाइड्रोब्रोमाइड होता है, क्लोरफेनिलामिन मेलिएट होता है, ग्वेनिफेसिन होता है और अमोनियम क्लोराइड होता है। दोस्तों ये काम कैसे करती है शायद आपको पता होगा, आपको बताता हूं। यहां पे हमारे जब खांसी होती है तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो डेक्स्ट्रोमेथोरफोन हाइड्रोब्रोमाइड हमारे ब्रेन में काम करता है और ब्रेन में एक कप सेंटर होता है जो कप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको सप्रेस करता है। सप्रेस करने से क्या होता है, खांसी नहीं चलेगी। उसी तरह से ग्वेनिफेसिन और अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, हमारे इस जगह पे काम करता है, यहाँ पे कफ जमा रहता है। कफ जमा रहने की वजह से हमें बार बार खांसी चलती है, क्योंकि जो आपके विंड पाइप है या सांस की जो नली है, उस नली की चौड़ाई कम हो गई क्योंकि कफ यहाँ जम चुका है, इसलिए हमें बार बार खांसी आती है। तो दोस्तों ग्वेनिफेसिन और अमोनियम क्लोराइड दोनों के दोनों क्या करते हैं, इस कफ को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिसको म्यूकोलाइटिक एक्शन बोलते हैं। तो क्लोरफेनिलामिन एंटी एलर्जिक कैटेगरी की दवा है। एंटी एलर्जिक दवा ये दो तरीके से काम करती है, पहला तो आपकी जो गले में खराश थी उसका एलर्जी की वजह से हो रही थी तो उसमें कम कर देता है एलर्जी को, इससे क्या होगा आपको खांसी नहीं चलेगी। दूसरा जो बहती नाक थी, नाक एलर्जी की वजह से नाक बह रही थी, तो दोस्तों आपकी नाक बहना भी बंद हो जाएगा। मतलब यहां पे ये है, ये पूरा का पूरा एक कोल्ड के लिए बहुत अच्छा पैकेज है दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको यूज कहां कर सकते हैं, जब आपके गले की खराश हो रही हो, आपको खांसी आ रही हो, खांसी आपकी गीली खांसी होती है वहां ज्यादा अच्छा काम करती है, आपको नाक भी बह रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी खांसी की वजह से, और खांसते खांसते आपको दर्द होने लग गया, तो इन सभी में दोस्तों ये काम करती है। तो ये शायद आपको शायद समझ में आ गया होगा कि गीली खांसी में इस ग्रिलिंग टक्स को, जहां पे आपको ठंड की वजह से या आपको ठंड लगने की वजह से नाक बह रही हो, इसको वहां पे आपको यूज करना चाहिए। अब आता है दोस्तों ग्रिलिंग टक्स LS में क्या होता है। जब ग्रिलिंग टक्स LS की बात आती है तो इसमें लियोसाल्ब्यूटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और ग्वेनिफेसिन 3 दवाइयां होती है दोस्तों। तीनों दवाइयां कैसे काम करती है, सबसे पहले वही चीज में बात करता हूं, यहां पे खांसी वाला कांसेप्ट। लियोसाल्ब्यूटामोल हमारे यहां पे काम करता है ब्रोंकस पे, ब्रोंकस को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, उसको डायलेट कर देता है, जिससे आपको खांसी नहीं चलेगी। इसका मतलब ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है। ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करने के बाद में दो ड्रग दूसरी आती है, ग्वेनिफेसिन और एम्ब्रोक्सोल, दोनों की दोनों दोस्तों म्यूकोलाइटिक एक्शन देती है। म्यूकस जो बना हुआ है यहां पे, जो खांसी के रूप में कफ के रूप में यहां जमा हुआ है, वो उसको क्या करता है, ये बाहर निकालने में मदद करता है दोस्तों। तो ये हो गया इसका म्यूकोलाइटिक एक्शन। कहने का मतलब यहां पे एंटी एलर्जिक दवाई नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब ये यदि आपकी नाक बह रही है तो वहां पे आपकी दवाई काम नहीं करेगी दोस्तों। यदि
आपको सिंपल खांसी है वहां पे ये काम करेगी। इसका मतलब इसका यूज की बात करेंगे दोस्तों। इसका यूज जो खांसी हो रही है उसमें, जिससे आपको सांस लेने में समस्या हो रही थी या गले में दर्द हो रहा था खांसी में, इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा है, ये खांसी वाली दवाई है जिसमें आपको गीली खांसी में यूज होता है, क्योंकि ये म्यूकोलाइटिक एक्शन दवाओं का है, मतलब ये कफ को बाहर निकालने वाली दवा थी और ये क्या होगी गीली खांसी जिसमें आपको कफ बन रहा था वहां पे इस दवा का यूज होता है। अपन बात करते हैं दोस्तों ग्रिलिंगटस बीएम के बारे में। ग्रिलिंगटस बीएम की बात आती है तो इसमें दो दवाएं होती है, टर्ब्यूटालिन सल्फेट और ब्रोमहेक्सीन हाइड्रोक्लोराइड। ये दोनों दवाएं दोस्तों कैसे काम करती है मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि ये खांसी के लिए दवा है तो दोस्तों टर्ब्यूटालिन सल्फेट हमारे इस ब्रोंकस को डायलेट करता है जिससे आपको खांसी नहीं चलती, इसका मतलब ये ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है। उसी तरीके से दोस्तों ब्रोमहेक्सीन क्या करता है, यहाँ पे म्यूकोलाइटिक एक्शन देता है। म्यूकोलाइटिक एक्शन का मतलब वही म्यूकस को बाहर निकालता है, कफ को बाहर निकालने में मदद करता है जिससे आपको खांसी नहीं चलती दोस्तों। ये थोड़ा सा इसमें दो दवाएं हैं कंपैरेटिवली, पहले के कंपैरिजन में, पहले वाले में तीन दवाइयां थी, इसमें दो दवाइयां हैं। इसको भी हम खांसी गीली खांसी में यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम जब यूज की बात करेंगे तो इसको ये खांसी में यूज होगा, ध्यान रहे इसको गीली खांसी में यूज करते हैं, और ये जिसकी वजह से दोस्तों आपको क्या हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी या खांसते खांसते आपको दर्द हो रहा था, जिससे ब्रोंकोडायलेटर काम करता है। ब्रोंकोडायलेटर काम करेगा तो आपको सांस लेने में भी आसानी रहेगी। तो दोस्तों ये हो गई आपकी ग्रिलिंगटस बीएम के बारे में। अब अपन बात करते हैं दोस्तों ग्रिलिंगटस एल क्या होता है। जब ग्रिलिंगटस एल की बात आती है इसमें एक ही दवाई होती है जिसको बोलते हैं लियोक्लोपेरासिटिन फेंडिजोएट। ये एक ही दवाई है दोस्तों। तो इस दवा का क्या काम होता है, जब हमारे खांसी की ही बात है बट ओबीएस है, लेकिन ये जो दवा है लियोक्लोपेरासिटिन फेंडिजोएट हमारे ब्रेन में काम करती है। ब्रेन में हमारे कप सेंटर होता है, वो ब्रेन में कप सेंटर में स्टिमुलेशन होने की वजह से हमें खांसी चलती है। अब ये क्या करता है दवाई, उस स्टिमुलेशन को स्टॉप कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिससे क्या होता है पेशेंट को खांसी नहीं चलती। ध्यान रहे इसका मतलब ये क्या हो गया, एंटी टसिव की तरह काम करता है। तो दोस्तों इसका मतलब इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे खांसी में ही, लेकिन ये सूखी खांसी में यूज होती है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा ग्रिलिंगटस एल जो होती है आपको सूखी खांसी में काम आएगा। इस ग्रिलिंगटस जो चारों दवाइयां बताई है मैंने आपको, वो चारों दवाइयों में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, जब बात आती है सावधानी की तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे जरूर कहूंगा कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस दवा को खाना खाने के बाद में या पहले भी ले सकते हैं। जब भी आप वो दवा लेते हैं दवा पूरी डोज ले, और अल्कोहल पीने के शौकीन है तो आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए दोस्तों। इस दवा के साथ में स्पेशली बात करूंगा दोस्तों जो प्रेग्नेंट लेडीज है, गर्भवती माताएं हैं और बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवाई कतई ही नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये दवाएं जनरली इनको नहीं दी जाती, तो ध्यान रहे। और यदि इन दवाओं से यदि आपको एलर्जी है तो भी इमिडिएटली आपको ध्यान रखना चाहिए, ये दवा स्टॉप कर देनी चाहिए। यदि आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान रहे ये दवा आपको नहीं लेनी चाहिए, और डॉक्टर की सलाह से आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए दूसरी खांसी का, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। यहां पे जो ग्रिलिंगटस के बारे में मैंने जानकारी दी है, चारों दवाओं के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर बोलूंगा आपको, जब भी कोई दवा लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह बिना आपको दवा नहीं लेनी। यहां पे एक चीज और बताऊं, जो दवा आप मार्केट से खरीदते हैं उसी मेडिकल स्टोर से खरीदें जिस पे प्रॉपर फार्मासिस्ट अवेलेबल हो, क्योंकि फार्मासिस्ट ही आपको पूरी दवाओं के बारे में जानकारी देगा दोस्तों। लास्ट में आपको जरूर बोलूंगा, यदि अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर लें दोस्तों। यदि ये काम आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।